नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड एबीएस के साथ और क्या वो एबीएस काम करता है या नहीं करता है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या वो आपके काम की है या नहीं, और उसके जो रियर डिस्क ब्रेक में जो एबीएस वाला सिस्टम है क्या वो वाकई में काम करता है या नहीं। एक्चुअल में काफ़ी लोगों के माइंड के अंदर या जो भी चले सॉर्ट आउट करते हैं। पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी बोलने में मैंने थोड़ी दिक्कत कर दी थी, तो इसमें आगे जो है डिस्क ब्रेक विद एबीएस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहीं अगर पीछे देखा जाए तो पीछे ड्रम ब्रेक है, पर देखिए एबीएस की प्लेट लगी है। तो यहाँ पर जो आगे का हिस्सा है वो पूरा जहाँ तक का है क्लासिक का पूरा सिस्टम डाल रखा है आगे, ठीक है। और ये जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं टोनल व्हील या टोनल प्लेट बोल सकते हैं, जो भी वर्ड है। और उसका छोटा सा सेंसर स्पीड सेंसर, इसको बोलते हैं स्पीड सेंसर, सिंपल भाषा में बोलते हैं। और देखिए आगे से पूरा लुक जो है वो हमारा क्लासिक का दे दिया है, पर थोड़ा सा पीछे आएंगे एक टैंक को देखेंगे, सीट देखेंगे स्टैंडर्ड की ऐसी लगती है गाड़ी। और क्या ये देखिए जो इसका मॉड्यूल है जिसको सेंसर जो पूरा ऑपरेट करता है जो सिस्टम वो यहाँ लगा रखा है, बोलते हैं मॉड्यूलेटर, सिंपल है। चारकोल कनेक्टर ऊपर कर दिया, कभी नीचे करते हैं कभी ऊपर करते हैं, मतलब घुमाए जा रहे हैं आगे पीछे। और एक और छोटी और ख़ास चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर एक सेंसर दे रखा है या इसे बोल देते हैं कन्वर्टर, ये यहाँ से करंट को उतना मतलब एक प्रॉपर वे में जो भेजता है वो यही काम करता है। ये बहुत अच्छी और एक यूनिक चीज़ आई है, ये अब जो फ़िलहाल नए मॉडल आ रहे हैं ये सिर्फ उसके अंदर ही दिखेगा, जो लाइट का इशू आता था या पुरानी गाड़ियों में जो इशू आता था वो चीज़ है। बैटरी इसके अंदर नॉर्मल है, पिछले जो टायर थे वो दोनों पिछले मतलब जो पुरानी स्टैंडर्ड या आज की है उसमें सेम है। अब इसमें बात करेंगे पिछले टायर के बारे में, क्योंकि मेन टॉपिक है पिछले टायर का। अब इस गाड़ी के अंदर जो सबसे खास और यूनिक और समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि पीछे ड्रम ब्रेक दे रखे हैं और एबीएस जो काम करता है डिस्क ब्रेक में काम करता है प्रॉपर ही, ठीक है। उसमें मैनुअल ब्रेक है, इसको ड्रम ब्रेक जिसको बोलते हैं ना इसको बोलते हैं मैनुअल ब्रेक, रियल में अगर मतलब टेक्निकल लैंग्वेज जो बोलते हैं या जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं मैनुअल ब्रेक या ड्रम ब्रेक बोल सकते हैं। देखिए ड्रम ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पेंडल हमारा दब जाएगा। अब जो स्पीड सेंसर है वो कैसे काम करेगा कि भैया स्पीड मतलब पेंडल ऊपर नीचे जो काम करता है वो कैसे काम करेगा, एबीएस कैसे काम करेगा, उसके लिए पीछे और आगे जो दोनों सेंसर दे रखे हैं वो करंट मतलब मॉड्यूलेटर में एक कमांड भेजेगा कि भैया अगले फिर ब्रेक इतना जोर से लग गया है और पीछे का इतना जोर से लगा है, तो उसके हिसाब से एक कमांड जाएगी मॉड्यूलेटर में और वो दोनों एडजस्ट करेगा आगे पीछे दोनों टायर को। इसलिए इसमें अगर कुछ लोग सोचते हैं कि इसके अंदर पीछे ड्रम ब्रेक दे दिया है तो भैया एबीएस काम करेगा या नहीं करेगा, जो आगे पीछे दोनों सेंसर हैं वो मॉड्यूल में जाके एक कमांड भेजते हैं कि भैया इतनी स्पीड चलिए, पीछे इतनी ज़ोर से ब्रेक दब रहे हैं और आगे इतनी ज़ोर से लग रहे ब्रेक, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सेंसर काम करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए पीछे ड्रम ब्रेक है और गाड़ी का लुक ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चेंज ज़्यादा है नहीं जो नई हमारी स्टैंडर्ड एबीएस के साथ है। और अगर आप लैग गार्ड लगाते हैं तो रिकमेंडेड आज के टाइम में यही है कि आप फर्जी माल ना डालें, ओरिजिनल माल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्योर स्टेनलेस स्टील है और जंग नहीं लगता है ओरिजिनल में, बस यही सुपर क्वालिटी है इसमें। तो गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, अगर सेल्फ स्टार्ट लगता तो यहाँ पे मोटर लगती, बाकी हर चीज़ नॉर्मल है। और फ्यूल इंडिकेशन दिया है और वो छोटा सा सेंसर यहाँ पे चलता है, बस फ्यूल इंडिकेशन का एबीएस का सेंसर है और मीटर काफ़ी अच्छा है। तो एक बार स्टार्ट करके इसका साउंड सुना देते हैं, साउंड कैसा है। तो नई गाड़ी ले रखी है, तो मैंने क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा अपडेट देते हैं नई वाली स्टैंडर्ड एबीएस के साथ कैसी है, देखने में देख लीजिए, आपको साउंड भी सुना दिए, साउंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है,
और बाहर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ABS वाला दे दिया है और थोड़ा सा एक फ्यूल इंडिकेशन सिस्टम दिया है। फ्यूल मीटर नहीं है, फ्यूल इंडिकेशन है। तो फिलहाल के लिए यही कुछ है जो आपके सामने है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखिए नई ABS गाड़ी के अंदर भी साउंड सुनिए, मतलब गाड़ी के अंदर इतना कुछ बना दिया, आज भी इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं कर पाए। तो यही है रॉयल इनफील्ड का हाल, खरीदने से पहले सोचें कई बार।